Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे. आज की हमारी रेसिपी ऑरेंज पील कैंडी है जो कि बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है. आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे. ऑरेंज कैंडी बनाने के लिए हमने ये कीनू लिया है. आप ऑरेंज और कीनू दोनों कोई भी एक ले सकते हैं इनमें से. यूं तो संतरे खाकर छिलके हम लोग अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद जब हमारी ये रेसिपी आप देखेंगे तो इन छिलकों को आप फेंकेंगे नहीं और बहुत ही अच्छी कैंडी बनाएंगे. अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि मैंने तो ट्राई किया है लेकिन उसमें थोड़ा सा कड़वाहट रह जाती है. लेकिन आप मेरी रेसिपी उसी तरह से टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी कैंडी बनेगी, वो बिना कड़वाहट वाली बनेगी. और शक्कर हमें चाहिए. मैंने ये दाने वाली शक्कर रखी है इसकी चाशनी के लिए. आधा नींबू का रस हमने लिया है और ये पिसी हुई शक्कर और नारियल का बुरादा. कुछ मैंने स्प्रिंकल दिया है. तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन संतरे या कीनू में हमें इसको इस तरह से ऑरेंज को छील लेना है. और इस तरह से हमें एक कट लगा के इसे इन छिलकों को हमें निकाल लेना है अच्छे से. अक्सर हम लोग फ्रूट खा के छिलके फेंक देते हैं लेकिन ये बहुत ही अच्छी कैंडी बनकर तैयार होती है. आप इसे जरूर ट्राई करें. इन छिलकों पे के ये अंदर इस तरह से स्किन जो हल्की सी स्किन होती है इसको हमें खुरच लेना है. इस तरह से हमें इसे साफ कर लेना है. मैंने इस फ्रूट को बहुत ही अच्छे से 3-4 से पानी से धुलकर इसके छिलकों को अच्छे से हमने धुलकर पोंछ लिया है, इसको ड्राई कर लिया है. फिर उसके बाद हमें इन्हें काटना है. और आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं और आप चाहें तो किचन की जो कैंची होती है उससे भी इस तरह से काट सकते हैं. इस तरह से हमें लंबे लंबे पीसेस में काट लेने हैं. इन छिलकों का कोई भी पार्ट आपका खराब नहीं जाएगा. ये सारे पार्ट्स मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इस्तेमाल करना है. इस तरह से मैं 3-4 छिलकों का ये पीस इस तरह से काट के मैं तैयार कर लूंगी. मैंने ये पहले से ही काट के रखे हैं. ये इस तरह से हमारे सारे ये कटे हुए हैं. कुछ मैंने महीन काटे हैं, पतले स्ट्रिप हमने काटे हैं और कुछ ये मोटे हमने काटे हैं. हमें एक बर्तन में पानी अच्छे से गर्म कर लेना. विंटर में या गर्मियों में अक्सर हम लोग संतरे खाना बहुत पसंद करते हैं और खास तौर पे इस कोरोना में वैसे भी हमें विटामिन सी से भरपूर फ्रूट खाने चाहिए. ये तो हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है, साथ में एनर्जी भी बहुत देता है. तो घर में काफी हमारे यहाँ संतरे और कीनू आ जाते हैं तो इनके छिलकों को अक्सर हम लोग फेंक देते हैं. लेकिन इस तरह से आप कैंडी बना के रख लें, देखिए यूं चट से खत्म हो जाएगा. बच्चे फटाफट, बच्चे के बड़े भी अपने टेस्ट के बदलने के लिए खाएंगे. तो आप जरूर ट्राई करें इसे. पानी हमारा बॉइलिंग स्टेज पे आ जाएगा तब इन्हें हमें डाल करके निकाल लेना है. इस तरह से ये पानी हमारा देखिए बॉइलिंग स्टेज पे आ गया है. अब इनमें हमें ये छिलकों को जो हमने काटा है पीसेस में इनको डाल देंगे. बॉयल करना है इसको. गर्म पानी में डालकर 1-2 मिनट इसलिए पकाते हैं जो कड़वाहट है थोड़ी बहुत संतरों में अक्सर छिलकों में कड़वाहट रहती है वो बहुत ही आसानी से इसमें से निकल जाएगी. कोई भी पार्ट्स का वेस्ट नहीं जाएगा. आप चाहे ये पानी ड्रेन करने के बाद जो ये पानी बचता है आप इसको ठंडा करके एक बोतल में भर के रख लीजिए. और जब आपके यहाँ पोछा वगैरह लगा रहे हैं या फर्श पे तो इसके 2-3 ढक्कन आप इसमें डाल दीजिए पानी, पोछे वाले पानी में. तो काफी अच्छी खुशबू
कमरों में आएगी नींबू जैसी। अब हमें इसे इसका पानी ड्रेन कर देना है। एक पैन हमें ले लेना है। इस तरह से हमने इसका पानी ड्रेन कर दिया है और ये हमारी ये शक्कर इसमें डाल देंगे। हमने 3 संतरे के छिलकों के लिए 1 कटोरी शक्कर लिया है और 1 कटोरी शक्कर में हमें 4 चम्मच हमने पानी डाल दिया इसमें। गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे हम, इसको हाई और मीडियम पे नहीं, एकदम स्लो पे हमें पकाना है। और इन शक्कर में हमें ये डाल देना है छिलकों को और 1/2 नींबू का रस हमने निचोड़ लिया है, इसको भी डाल देंगे। और 1 चुटकी में इसमें काला नमक डालूंगी क्योंकि कैंडी खट्टी मीठी थोड़ा सा अच्छा लगता है नमकीन। और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है स्लो फ्लेम पे। धीमे धीमे ये शक्कर हमारा ये मेल्ट हो जाएगा। और इसे कवर कर देना है हमें। शुगर हमारी मेल्ट हो जाएगी 2 से 3 मिनट में, फिर इसे हमें आगे का प्रोसेस करना है। 2 मिनट हो गया है पकते हुए, आइए इसे खोलकर देख लेते हैं। शक्कर हमारी मेल्ट हो गई है, बहुत ही अच्छा सा कलर भी आया है। बच्चे हमें जो छिलके हमने काटे थे, ये छोटे छोटे पीसेस जो थे, इनको हमें फेंकना नहीं है। इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल मैं बताने जा रही हूँ आपको। इसको एक प्लास्टिक की बोतल में हमें सारे छिलकों को डाल लेने हैं, चाहे वो नींबू के छिलके हों या संतरे किसी के छिलके हों, खट्टे फलों के, आप उन्हें बोतल में डाल लीजिए। और 1/2 बोतल में ये छिलके रहेंगे और 1/2 पानी डाल करके इसको ढक्कन हल्का सा खुला छोड़ दीजिए। इसको ज़्यादा टाइट हमें ढक्कन नहीं बंद करना है और इसको 30 से 40 दिन के लिए उसी तरह से बोतल में छोड़ दीजिए। फिर उस पानी के लिक्विड से आप किचन का फर्श या घर का फर्श 1 या 2 ढक्कन डाल के आप साफ करवाइए। जितने भी ये लिक्विड आ रहे हैं जर्म्स को मारने के लिए, सबसे बेस्ट ये तरीका इसका है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, इसे जरूर ट्राई करें। इस तरह से ये हमारे शुगर सिरप पर ड्राई हो रहा। और इन्हें हमें एक छन्नी पे या एक प्लेट में इस तरह से एक एक पीसेस हमें निकाल लेने हैं। ऑरेंज की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह से हमें निकाल करके इसको फैन में हम रख देंगे 10-10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद का आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी आपको। उसको तो मैंने रख दिया है 10 मिनट के लिए पंखे में ड्राई होने के लिए। और ये जो सिरप बचा है इसकी भी मैं आपको फटाफट एक टिप्स दे देती हूँ। ये शुगर को हमें थोड़ा सा और हमें इसको ड्राई कर लेना है। थोड़ा सा हमें और इसको ड्राई कर लेना है। और कुछ किशमिश हमने लिए हैं और ये हार्ट शेप में हमने मोल्ड लिया है। क्या करना है, इसे हमें इसमें डाल लेना है और 1 किशमिश में डाल दूंगी इसके बीच में। 1 किशमिश या 2 किशमिश डाल लीजिए और फिर इसके ऊपर ये डाल देंगे। इस तरह से ये देखिए मेरा सारा सिरप इस्तेमाल हो गया है। और इन्हें हमें 10-15 मिनट के लिए पंखे की हवा में छोड़ देना है या फिर आप बाहर रख दीजिए। 15 से 20 मिनट में ये हमारा कैंडी तैयार हो जाएगी याली भी। इस तरह से ये हमारी 10 से 15 मिनट में
ड्राई हो गई है, हमें पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है, इसे हल्का इस तरह से हमें रखना है, ज्यादा ड्राई नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, ये शुगर लिया है हमने, घर की पिसी हुई शक्कर है, उसमें हमें इस तरह से इसको कोट कर लेना है, इस तरह से ये हमारी एक कैंडी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से एक एक करके हमें ये शुगर पे हमें कोट कर लेना है। आप चाहें तो पिसी शक्कर में इसका कोटिंग लगाएं, या फिर आप इस तरह से नारियल के बुरादे में भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा शुगर में और नारियल के बुरादे में, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। कुछ मैंने ये स्प्रिंकल दिया है, मैं इसमें भी लगाऊंगी, ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से इसमें भी हमने इसका कोट कर लिया है, ये देखिए कितने प्यारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और टेस्ट तो इसका कमाल का होता है, आप जरूर बनाकर देखें इसे। कितनी आसान तरीके से और फटाफट हमारा ये ऑरेंज कैंडी बनकर तैयार हो गई, और सारे चीजों का, यहाँ तक कि जो शुगर सिरप बचा है उसका भी इस्तेमाल मैंने बताया, और छिलकों का भी मैंने कैंडी बताया, और साथ में जो कतरन निकला था इन छिलकों को काटने में उसका भी मैंने इस्तेमाल बताया। इस तरह से ये हमारी शुगर कैंडी सारी तैयार हो जाएगी। आप हमारी रेसिपी कैसी लगी, आप ट्राई जरूर करें, और ट्राई करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी कैंडी कैसी बनी। मेरी तो बहुत ही मजेदार और अच्छी बनी है, मेरे बच्चे तो फटाफट इसको खत्म कर देते हैं, बच्चे क्या बड़े सभी खत्म कर देते हैं, और बहुत ही फायदा करता है। आप जरूर इसे ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और इंजॉय करें। आप अपना, अपने परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का, सभी का ख्याल रखें। थैंक यू। Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.